दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं धारा 41 सीआरपीसी क्या कहती है, धारा 41 सीआरपीसी में पुलिस के क्या अधिकार है क्या नहीं है। लेकिन इससे पहले आपको, अगर अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें, जिससे हमारे जो भी नया वीडियो अपलोड करें उनकी सूचना आप तक पहुँच सके। अब अपन बात करते अपने टॉपिक पे आते हैं, धारा 41 सीआरपीसी क्या कहती है, इसमें पुलिस के क्या अधिकार है और क्या नहीं है, ये आप जान सकते हो। तो इसे अंत तक देखिए, आप जब तक इस वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे ना तो मैं आपको समझा पाऊंगा नहीं आप समझ सकते। इसलिए धारा 41 सीआरपीसी क्या कहती है इसमें पूरी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि क्या पुलिस के अधिकार है क्या नहीं है। चलो शुरू करते हैं। धारा 41 सीआरपीसी में पुलिस किसी भी अपराधी के खिलाफ, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज हो जाता है तो वो मुलजिम बन जाता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस में कौन कौन सी धारा में वो मुकदमा दर्ज हुआ, अगर मान लो किसी उस प्रकार की धारा जिसमें 7 साल से कम सजा हो तो पुलिस उस में व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करके सकती, क्योंकि उसके साथ साथ ये भी प्रावधान है कि पुलिस में वो आरोप या मुलजिम जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है वो पुलिस को सहयोग करता है या पुलिस को किसी प्रकार से रिकवरी करने का नहीं हो या पुलिस आरोपी से संतुष्ट हो, सारी चीज़ें देखने के बाद पुलिस को लगे कि ये आरोपी हमें जांच में सहयोग कर रहा है, हम इससे संतुष्ट हैं, ना है कोई इसे रिकवरी करना है, तो पुलिस उसे बिना गिरफ्तार के छोड़ सकती है। ये पुलिस के अधिकार धारा 41 सीआरपीसी में। लेकिन इस अधिकार होने के साथ साथ पुलिस उसको परिवादी को ये हिदायत देती है कि आपको जब हम बुलाएं जांच के लिए या कुछ हम चाहें पूछने के लिए तो आप हमें सहयोग करें, उसी लिहाज को पुलिस संतुष्ट होने के बाद ही उस व्यक्ति को छोड़ सकती है। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर आप अपनी धारा के बारे में आपको पता नहीं है तो आप गूगल पर सर्च करके पता लगा सकते हैं कि आप कि कौन कौन सी धारा में आपका मुकदमा दर्ज हुआ और कौन कौन सी धारा में कितनी सजा है। मान लो अगर 41 धारा जो सीआरपीसी में अगर 7 साल से कम वाले जो भी धारा है उनमें सजा है तो पुलिस को बिना गिरफ्तार किए व्यक्ति को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि उनको 41 का नोटिस देकर उनको पाबंद किया जाता है कि कभी भी आपको बुलाया जाए या कभी भी आप कोर्ट में चालान पेश किया जाए तो आपको उपस्थित होना अनिवार्य है। इसलिए दोस्तों इस प्रकार की धारा के बारे में आप गूगल से भी सर्च करके देख सकते हो कि कौन सी धारा में कितना सजा है। इसलिए अगर मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक जरूर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को